दोस्तों, जीवन में तमाम समस्याएं लगी रहती हैं। जीवन में एक समस्या खत्म नहीं होती तब तक दूसरी आ जाती है। इन समस्याओं से बाहर निकलने के लिए, अपनी इच्छाओं मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए हमारे अंदर कोई ना कोई इच्छा हर दिन बलवती होती रहती है। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी इच्छा हुई, तीसरी आने लगती है। क्या आप जानते हैं आपका नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये दोनों ही आपके लिए आपके हर इच्छा और कामना को पूर्ण कर सकती है। आज आपको यहाँ पर ऐसा एक दिव्य प्रयोग देने जा रही हूँ जिसे आपको नवरात्रि में शुरू करना है। इसमें कुछ सामग्री लगेगी, वो आप देख लीजिएगा। ये वीडियो आपको पहले मिल गया है तो अभी कर, इस नवरात्रि पर ही कर लीजिएगा। नहीं मिला है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसे, इस प्रयोग का आप किसी भी सोमवार, किसी भी बुधवार, किसी भी शुक्रवार से आप शुरू कर सकते हैं कि नवरात्रि निकल गए, मैम वीडियो बाद में मिला है तो अब क्या करें। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी कोई भी कामना हो, कोई भी इच्छा हो, आप इसको अपनी पूरी कर सकते हैं। इसको देर पूरी होने में देर नहीं लगेगी, ये खुद आप मुझे लिखकर बताएंगे। और ये मत पूछिए कितने दिन, हो सकता है कि एक ही क्षण में हो जाए, हो सकता है कि आपकी 7 दिन में पूरी, हो सकता है 21 दिन में। लेकिन ऐसा नहीं है कि होगी नहीं, क्योंकि नवरात्रियों के दिन में माता लक्ष्मी, माता दुर्गा, माता सरस्वती और माता काली, सारी 9 देवियां हमारी इस धरती पर विचरण करती और अपने हर वक्त की कामना को पूर्ण करती हैं। कोई भी व्यक्ति कर सकता है कोई भी कामना। बच्चों की पढ़ाई के लिए बच्चे कर सकते हैं, उच्च परीक्षा पास करना चाहते हैं आप, धन चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र से चाहते हो धन, वो कोई भी क्षेत्र हो चलेगा आपका। मान सम्मान चाहते हैं, जो आप चाहते हो वो प्रयोग आप इसमें कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, मैं हर दिन आपको आपके दिन को लकी बनाने वाले, बेहतर बनाने वाले अमृत की बूंद जादुई अक्षर देती हूँ। राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय देती हूँ जिससे कि आप उस दिन समस्याओं से बचे रह सकें और अपने हर कार्य को सुचारू रूप से कर सकें। लकी नंबर भी देती हूँ, अगर आपको नंबर की ज़रूरत पड़ती है तो ये नंबर उस दिन आपको विशेष फायदा पहुँचाता है। 1 मिनट का प्रयोग होता है दोस्तों। इसको देखने से, इसको करने मात्र से आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन आने लगते हैं। आप इन्हें ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग मेरे दर्शक इन्हें कर रहे हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए इनसे आपको कितना फ़ायदा मिल रहा है। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ प्रसन्न बने रहें ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दूंगी अमृत की बूंद जादुई अक्षर, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में लकी नंबर। अगर आपने अब तक शुरू नहीं किया है तो अब कर लीजिए, 8 दिन के अंदर बेहतर रिजल्ट आने लगेगा। क्योंकि इनकी विशेषता ये भी है, दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होते हैं और इसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता होती है न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति इन्हें करके शुभता प्राप्त कर सकता है। तो इसमें देर ही कैसी, कर लीजिए, कुछ अच्छा ही आपको मिल जाएगा। दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट और लाल किताब रीडर, चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ, आपकी समस्याओं का समाधान भी आपको देती रहती हूँ। सबसे पहले बात करती हूँ अमृत की बूंद और जादुई अक्षर की। 7 अप्रैल 2024 दिन रविवार, आज का राहु काल है, शाम 5:02 से 6:32 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:58 से 12:48 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको थोड़े से हल्दी लीजिएगा या केसर है आपके पास, उसको दो बूंद दूध में इसको घोलकर अपने माथे पर तिलक जरूर लगाइए। देखिएगा कैसी एनर्जी बढ़ेगी, कैसे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। जादुई अक्षर है बा, ब्रह्म वाला बा, इस वार शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा, नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए, आप इसे नाली में ना बहाएं। आज मैं ऐसे एक दिव्य प्रयोग की बात कर रही हूँ जो 100% आपके ऊपर कार्य करता है।
वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक ही निवेदन है, आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियोस मेरे अच्छे लग रहे हैं और आप चाहते हैं निरंतर मिलते रहें, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में घंटी के बटन को ऑल पर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में अपने रिश्तेदारों को, अपने अपनों को आप शेयर जरूर करें। नव पावन दिन होते हैं, 9 दिन माता धरती पर ही विचरण करती है अपने भक्तों की पुकार सुनने के लिए। माँ, चाहे वो आपकी माँ हो चाहे वो जगत जननी हो, अपने भक्तों की अरदास सुनती ही सुनती है। आपको ये क्या करना है, नवरात्रि को आपको नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि पर, जैसे मैंने आपको पहले बताया नवरात्रि के बाद मिला है, तो आप किसी भी सोमवार, किसी भी बुधवार, किसी भी शुक्रवार को आप शुरू करेंगे। अभिजीत मुहूर्त का समय, ये जो मेरे वीडियो में मैंने अभी अभिजीत मुहूर्त का समय बताया, उस दिन का वीडियो खोल लीजिएगा, उसमें अभिजीत मुहूर्त का समय आपको मिल जाएगा। आपको ऐसी कांच की बोतल लेनी है, आप मतलब ऐसी नहीं, आपके पास ट्रांसपेरेंट कोई भी बोतल होगी चलेगी, कांच की बोतल लेनी है आपको। ऐसा एक आपको चांदी का चकोर टुकड़ा ले लेना है, चकोर नहीं है आपके पास, जो भी है चलेगा, आपके पास कोई गहना है, कोई अंगूठी है, कुछ भी है वो चलेगा, उसे पहले से साफ कर लीजिएगा। अब इस बोतल में आपको पहले थोड़ा सा गंगा जल डालना है, बाकी शुद्ध जल से इसको भर देना है। जितनी बड़ी बोतल लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, आपने कहा ये हर व्यक्ति के लिए करना है, तो अगर आपने कहा कि मुझे अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए इससे करवाना है, तो आप एक लाल एक चौकी लगा लीजिएगा, उस चौकी पर लाल कलर का कपड़ा बिछाकर इन बोतलों को आप वहाँ पर स्थापित कर दीजिएगा। 9 दिन तक लगातार रखी रहनी है यहाँ पर बोतलें। अब इस बोतल पर आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, और अपनी कामना, जो भी कामना है, व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से लिखेंगे और इसको यहाँ इसके तले पर चिपका देंगे, यूँ यहाँ पर चिपका देंगे इसको, यहाँ पर इसको, और इसको लिखकर आपकी कोई भी कामना है लिखिएगा। परिवार के सभी सदस्यों के लिए करना है तो अलग अलग बोतल रखनी है। अब माँ चाहती है कि बच्चे तो करेंगे नहीं, मैं ही सबके लिए कर देती हूँ, कोई बात नहीं है, आप अपने बच्चों के लिए क्या सोच रही हैं, आपको लिखना अपना ही डेट ऑफ बर्थ है और अपना नाम है, आप अपने बच्चों के लिए क्या क्या सोच रही हैं वो छोटे छोटे शब्दों में इसमें 1, 2, 3, 4 कामनाएं छोटा सा कागज लेकर इस पर सेलो टेप से चिपका कर रख देंगी बोतल को। घर के मंदिर में भी रख सकती हैं आप, ऐसे ज़्यादा बोतलें हैं तो चौकी पर रख सकती हैं। आप जो डेली अपनी माता की जो आराधना कर रही हैं वो करते रहिए। ये जो कामना आपने लिखी है इसे हर दिन आपको 9 बार बोलनी है, चाहे आप सुबह के समय बोलें चाहे रात में, और अगर दोनों टाइम बोलते हैं तो ये सोने में सुहागे वाली बात हो जाएगी। 9-9 बार बोलिए इसको। 9वें दिन से जब आपके यहाँ माता की समाप्ति हो जाए, मतलब माता का आपका पूजन पाठ हो जाए, माता की विदाई हो जाए, तब इन बोतलों को उठाएंगे और डेली इसमें से 1 ढक्कन पानी अपनी वही कामना जो आपने इसमें लिखी है बोलकर आपको पीते जाना है। आप चाहें तो इसमें डेली थोड़ा सा पानी बढ़ा भी सकते हैं, जैसे आपने पी लिया, 1 ही ढक्कन पीना है, बहुत ज़्यादा नहीं पीना है, 1 ढक्कन से इन द सेंस 1-2 चम्मच पीना है, और चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा पानी फिर से बढ़ा दीजिए। यानी ये आपकी एनर्जाइज बोतल है, ठीक है, इस पर कामना लिखिए, और इसको आपको यहाँ वहाँ गीला नहीं करना है, किचन विचन में नहीं ले जाइए, इसको शुद्ध जगह पर ही रखिए आप, और इस पानी को आप पीना शुरू करिए। जो आपने इसमें कामना लिखी है ना, वो कामना आपकी 100 नहीं 150% पूरी होगी, क्योंकि पानी क्या है, चंद्रमा, माता के सामने लिख कर रखा है, लाल कलर से लिखा है, तो आपने चंद्र मंगल की युति को जागृत कर दिया, माता रानी की कृपा मिल गई, अब माता रानी के आशीर्वाद से वो इच्छा कामना, क्योंकि आप स्वयं हैं और आपका नाम भी लिखा है और आपकी डेट ऑफ बर्थ भी लिखी है, यानी पूरा संपूर्ण आपका विवरण इस पर लिखा हुआ है। अब जो भी आप बोलेंगे, जो भी आपकी कामना है, उस कामना को आप डेली 9 बार बोलिए और इस पानी को पीना शुरू करिए। अब माँ ने सबके लिए तैयार किया है तो इसमें से 1-1 ढक्कन सभी को पिलाना शुरू किया। आपने कहा ऐसे नहीं पियेंगे, आप उनकी पानी की बोतल में इसमें से 1-1 ढक्कन डाल दीजिए और ये पानी पिलाना शुरू करिए अपने पति को, अपने बच्चों को, आप परिवार में चाहते हो सामंजस्य और प्यार पड़ जाए उनको, पर लिखना होगा इसमें आपने बोतल में कि आप चाहते हैं कि सभी के बीच में आपका मान सम्मान बढ़ रहा है, तो इस बोतल पर आपको ये भी लिखना होगा। लिखना लाल कलर के पेन से ही है, व्हाइट कलर के पेपर पर सेलो टेप से आपको नीचे चिपका देना है। अब बहुत सारे लोग आपको देखेंगे, आप अरे इनसे कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है, चमत्कारिक रूप से आपकी भावनाएं सामने वाले तक पहुंचती हैं जल के माध्यम से, आपने देखा है, पानी में जो चीज़ मिला देते हैं वो मिल जाती है, फिर पानी से आप उसे बाहर नहीं निकाल सकते। व्हाइट कलर का पानी है, यानी उस कलर का कोई कलर नहीं है, लेकिन आपने जो डाला उसमें वो कलर मिल गया, नमक डाल दिया तो नमक के बाद आप पानी में से नमक रेयर निकाल पाएंगे, चीनी मिला दी तो मीठा हो गया, रंग मिला दिया तो उस कलर का बन गया, यानी
पानी आपकी भावनाओं को एक्सेप्ट करता है, आपकी चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है। ये हमारा चंद्रमा, ये हमारा मन। लाल कलर से आपने लिख कर रखा था चांदी शुक्र भी है, चांदी चंद्र भी है। आपने डाली कांच शुक्र है, कांच चंद्र है। ये हमारे मन है, इस मन के अंदर माता से आपने आज्ञा लेकर माता के सामने समक्ष रख दिया। अब माता ने आपकी कामना सुन ली, अब माता आपकी कामना पूरी करेगी। करके देखिएगा दोस्तों, आपको ऐसी बोतल मिल जाती है तो ऐसी बोतल ले लीजिए। आप अभी मैं आपसे कहूँ ये आप हमसे मंगा लीजिए तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा दोस्तों, क्योंकि नवरात्रि अब शुरू होने जा रही है। आप मार्केट से खरीद लीजिए, आपके पास कोई भी, लेकिन चाहिए आपको कांच की बोतल। आप प्लास्टिक की बोतल से ये प्रयोग नहीं कर सकते। आप कहें कि आपके पास ये बोतलें हैं जो डेली मिनरल वाटर की आती हैं उन्हें ले लें, उसका वो इफेक्ट नहीं आएगा, कांच की बोतल का ही इफेक्ट आएगा। रूह अफ़ज़ा इत्यादि में कांच की बोतल आती हैं, आप वो भी ले सकते हैं, इसके अंदर चांदी का ऑर्नामेंट ज़रूरी है। करके देखिएगा दोस्तों, आप कोई भी कामना, आप करोड़पति बनना चाहते हैं, एक दिन में नहीं बनेंगे लेकिन उसकी तरफ चल पड़ेंगे। बच्चों का आप विकास चाहते हैं, बच्चों की उच्च शिक्षा चाहते हैं, विदेश भेजना चाहते हैं, बच्चों की शादी विवाह चाहते हैं, आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, हारते जा रहे हैं, उसके लिए आप कर सकते हैं। आपको आदत पड़ी हुई है कि आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, आप छोड़ना चाहते हैं, आप IPL इत्यादि में मोबाइल के जरिए पैसा लगा रहे हैं, जुआ सट्टा में लगा रहे हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, तब भी आप इस पानी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं इसके लिए प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ आपका मन उस तरफ से आपको सही पॉजिटिव वाइब्स देना शुरू करेगा। आपको खुद से लगेगा मुझे इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, आपके अंदर से वो थॉट्स आपके जागृत हो जाएंगे, आप जो चाह रहे हैं वो चीज़ें आपके लिए फुलफिल होंगी जो माँ आपको देना चाह रही है, आपको वो चीज़ें मिलने लगेंगी। करके देखिएगा, बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये प्रयोग वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो ये प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 1 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष भर सुखता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलिए। शेयर भी अधिक से अधिक लोगों को कर दीजिए। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते तो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, कॉल या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। किसी भी तरह की सामग्री चाहिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज या कमेंट कर सकते हैं। मेरे वीडियोस बहुत सारे हैं, आप लोग लिखते रहते हैं, आप जाइए प्लेलिस्ट में जाइए दोस्तों, बहुत सारी प्लेलिस्ट में डेली लगा देती हूँ, आप उनको भी देखिए, उनमें आपको ढेरों जानकारियाँ मिलेंगी, उन्हें भी देखकर लाभ उठाते रहिए। कल फिर आऊँगी कुछ अद्भुत कुछ नया लेकर, तब तक के लिए राधे राधे।